डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माई ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। मैं शिषपाल चौहान, आज मैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनका एक लेसन लेके आया हूँ, और लेसन है द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, रिटन बाई विलियम सैरोयन। और दिस लेसन हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक स्नैपशॉट, और ये स्नैपशॉट का लेसन है, स्नैपशॉट बुक में से लिया गया है। Okay. Let's begin now. The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan, and this is video lecture 1. You are watching the picture of William Saroyan. He was born on August 31, 1908. He died on 18th May 1981. So he lived up to 18th May 1981, and born in California. Right. This story is about the two boys who belonged to a tribe that had been known for their honesty, but the boys had a passion for riding a horse. Since the family could not afford to buy a horse, one of the boys stole a horse and both of them kept enjoying riding for several days. इस कहानी में क्या होता है, दो लड़के एक ही परिवार के होते हैं और वो एक घोड़े को चुरा लेते हैं क्योंकि उनमें पैशन था राइडिंग करने का, घुड़सवारी का पैशन था। परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता एक हॉर्स को खरीदने का, सो वन ऑफ द बॉयज, उन बॉयज में से एक घोड़े को चुरा लेता है और कुछ दिन वे दोनों घोड़े की सवारी करते हैं और इंजॉय करते हैं राइडिंग को। तो ये एक स्टोरी है इस तरह से, तो बिगिन करते हैं। बट आफ्टर दैट दे लीव एट द प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैड टेकन इट, और फिर उस घोड़े को जहाँ से लिया था वहीं छोड़ देते हैं। द राइटर हैज मेड दिस स्टोरी बाई एडिंग सो मैनी अदर थिंग्स एंड ऑल ऑफ यू ऑल्सो एंजॉय इट, और लेखक ने इस कहानी में बहुत सी ऐसी इंसिडेंट्स क्रिएट की हैं, ऐसी घटनाएं डाली हैं जिसको देख के सुन के आप इंजॉय करोगे। और कहानी सिंपल इंग्लिश में पैराफ्रेज्ड है, तो स्टार्ट करते हैं। दिस वर्ल्ड वाज फुल ऑफ मैग्निफिसेंस एंड लाइफ वाज स्टिल लाइक ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम फॉर हिम, उसके लिए ये दुनिया बहुत ही ग्लोरियस थी, शानदार थी, फुल ऑफ मैग्निफिसेंस थी और ब्यूटीफुल थी, और एक रहस्यमय सपने के समान थी। Then the narrator tells about his cousin Murad, whom everybody considered crazy. और फिर narrator हमें अपने cousin Murad के बारे में एक कहानी सुनाते हैं, और Murad को प्रत्येक कोई भी उसका मित्र उसे क्रेजी मानते थे, उसमें क्रेजीपन था, एक थोड़ी सी फालतू सनक थी कुछ भी करने की। He was very close to the narrator. Narrator इसमें आराम है, और वो नरेटर के बहुत क्लोज था, हिज कजिन आरम, एंड डिड नॉट मेक मोर फ्रेंड्स। ही वॉज वेरी क्लोज टू द नरेटर, हिज कजिन आरम, आरम ये कजिन था मुराद का, एंड डिडंट मेक मोर फ्रेंड, और कोई अधिक मित्र नहीं थे उसके। वन अर्ली मॉर्निंग एट 4 ही वोक अप द नरेटर बाय टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ हिज रूम। एक दिन सुबह 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 4 बजे की बात है कि मुराद उसके कमरे की खिड़की पे टैप करता है, दस्तक देता है। मुराद हैड कॉल्ड द नरेटर बाय हिज नेम आरम। मुराद ने अपने मित्र को जो कि कजिन था उसका आरम नाम लेके पुकारा, और ऐसा लगता है जैसे गली में दीवार थी उसकी और खिड़की गली की तरफ साइड में थी, तो वहां से उसने दस्तक दी और नाम लेके पुकारा। मुराद हैड कॉल्ड द नरेटर बाय हिज नेम आरम, सो He at once jumped out of his bed in surprise and looked out of the window. और आरम एकदम सुबह सवेरे कोई उसे उठाने आ गया, जगा रहा है और नाम लेके पुकार रहा है, तो वो चौंक जाता है और एकदम जंप मार के अपने बेड से उठता है। He could not believe his eyes when he saw Murad sitting on the back of a beautiful white horse. और वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। He couldn't believe his eyes. Because he saw his cousin Murad sitting on the back of a beautiful white horse. अपने भाई मुराद को उसने एक हॉर्स की पीठ पे बैठा देखा। आरम पुट हिज हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड हिज आईज टू रिमूव स्लीप फ्रॉम देम।
आरम ने खिड़की में से अपना सिर निकाल के देखा और आंखें मलते हुए अपनी नींद को भगाते हुए देखने लगा। एट दिस मुराद टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट ड्रीमिंग। इस बात पे मुराद ने उसे कहा कि तुम सपना नहीं देख रहे, एंड इन रियलिटी और वास्तविकता में हो। ही वॉज वॉचिंग हिम सिटिंग ऑन ए हॉर्स, और वास्तविकता में रियलिटी में तुम उसे घोड़े पे बैठे देख रहे हो कि वह घोड़े पे बैठा हुआ है। आरम सेज दैट हिज कजिन मुराद इज ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ एंड वॉन्ट्स टू लिव एवरी मोमेंट ऑफ इट फुली। आरम कहता है कि उसका जो कजिन है मुराद, वो जीवन से भरपूर था, जीवंत था, जीवन के प्रत्येक क्षण को वो फुली जीना चाहता था। द नरेटर ऑल्सो हैज ए बर्निंग डिजायर। नरेटर की भी एक तीव्र इच्छा थी, पैशन था उसके मन में। डिजायर, बर्निंग डिजायर, पैशन होता है टू राइड ए हॉर्स, एक घोड़े की सवारी करना। द नरेटर नाउ टेल्स अस अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ हिज ट्राइब। नरेटर अब अपने कबीले की, ट्राइब की आर्थिक कंडीशन के बारे में बताता है, आर्थिक दशा के बारे में हमें बताने जा रहे हैं। He says that they are so poor that they cannot afford to keep a horse. वह कहता है कि उनका कबीला इतना गरीब है कि वो एक घोड़े को रखना, घुड़सवारी करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करते, ये बिल्कुल भी वो वहन नहीं करते। This is the reason as to why he is unable to believe his eyes that his cousin can have a horse. और यही कारण था कि वो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसका कजिन मुराद एक घोड़े को लेके आ गया, ये तो हो नहीं सकता कि उसने खरीदा होगा। The narrator continues telling that their whole tribe was poverty stricken. Narrator हमें बताते हैं टेक्स्ट में, ये तो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हमने पैराफ्रेज की है टेक्स्ट की, कि उनका जो ट्राइब था पॉवर्टी स्ट्रिकन था, गरीबी थी उसमें। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोगलैनियन फैमिली वाज लिविंग इन पॉवर्टी। गैरोगलैनियन फैमिली के जितने भी ब्रांचेस थी, परिवार बने थे उसमें से, सभी गुर्बत में रह रहे थे, गरीबी में रह रहे थे। एंड इट वॉज नॉट नोन टू एनी मेम्बर ऑफ द फैमिली एज टू वेयर फ्रॉम मनी केम टू देम टू मैनेज फूड एंड अदर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। परिवार के किसी भी मेम्बर को इस बात का इल्म नहीं होता, इस बात का ज्ञान नहीं होता कि पैसा कहाँ से आता है, किस तरह से उनके परिवार वाले भोजन उनके लिए, उनकी जरूरत का सामान होता है, उसको मैनेज कर रहे हैं, उसका प्रबंध कर रहे हैं, उन्हें नहीं, बच्चों को कोई पता नहीं होता इस बात का। इवन द ओल्ड मेंबर्स ऑफ द फैमिली डिडंट नो दिस। जो बुजुर्ग लोग थे परिवार के, इस कबीले के, उन्हें भी इस बात का ज्ञान नहीं होता कि पैसा कहाँ से आता। बट इन स्पाइट ऑफ देयर पॉवर्टी, अपनी गरीबी के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद, दे हैड ऑल बीन वेरी फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी फॉर 11 सेंचुरीज। इस बात पे फखर था हर एक मेंबर को, सदस्य को परिवार के। 1100 वर्षों से ये परिवार गरीबी में तो रह सकता है, परंतु अपनी ईमानदारी से हिलेगा नहीं। द नरेटर ऑल्सो टेल्स अस दैट वंस दे हैड बीन द वेल्दियस्ट फैमिली इन द होल एरिया। नरेटर हमें यहाँ ये भी बताते हैं कि एक समय था, एक जमाना था, जब ये कबीला अपने पूरे इलाके में सबसे अमीर परिवार था। He also tells us that they were proud, first, honest, next. और अपने कबीले पे इनको गर्व है, फकर है। फकर पहले होता है अपने कबीले पे और ऑनेस्टी बाद में आती है। दोनों बातें उनमें थी, परिवार वालों में। एंड आफ्टर दैट दे बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। और विश्वास उनका दोनों बातों में था, राइट क्या होता है, सही क्या होता है, गलत क्या होता है, ये दोनों बातें वो जानते थे और सही बात को ही करते थे। None of their family members thinks of taking advantage of anybody or stealing anything. Narrator सोचते हैं कि उनका परिवार तो इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि वो किसी का फायदा नहीं उठा सकते, ना तो किसी की कोई चोरी कर सकते हैं, ना किसी व्यक्ति का नाजायज फायदा उठा सकते हैं, किसी का बेवकूफ नहीं बना सकते। नेक्स्ट द नरेटर टेल्स अस एज टू हाउ ही रीच्ड द कंक्लूजन दैट हिज कजिन मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स इन स्पाइट ऑफ द थॉट दैट वॉज मेकिंग हिम डिसबिलीव इट। अगली पंक्तियों में टेक्स्ट की नरेटर हमें ये बताने जा रहे हैं कि किस तरह से इस बात का कंक्लूजन निकालते हैं कि कजिन मुराद जो था उसने चोरी करी थी, इस बात के बावजूद
कि वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। नरेटर इस बात पे अभी भी विश्वास नहीं कर रहा था कि उसके भाई ने, कजिन ने, चचेरे भाई ने चोरी की है। द हॉर्स वॉज मैग्निफिसेंट, हॉर्स सुपर्ब था, बहुत सुंदर था, शानदार था, एंड लवली, प्यारा, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने खड़ा था। इट वॉज ऑल एक्साइटिंग फॉर आरम टू सी इट ब्रीदिंग, ही कुड स्मेल इट। आरम के लिए ये अजीबोगरीब तजुर्बा था, एक्साइटिंग था, जिसमें उत्तेजना उसे हो रही थी, वो उत्सुक हो रहा था जानने के लिए, उस पर बैठने के लिए, ये ब्रीदिंग रियलिटी है। और घोड़ा उसके सामने सांस भी ले रहा था, उसमें से उसको एक खास खुशबू होती है घोड़ों में, वो भी उसे आ रही थी। He knew it well that his cousin could not bite. इस बात को वो भली भांति जानता था। He knew it well का मतलब अच्छी प्रकार से जानता था कि उसका कजिन घोड़े को खरीद नहीं सकता। He also believed that no member of the Galanian family could be a thief. और इस बात का भी उसे विश्वास था, इस बात में पूरा, कि गैरो गैलेनियन फैमिली का कोई भी व्यक्ति चोर नहीं हो सकता, चोरी नहीं कर सकता। After that, the narrator stares at his cousin. इसके बाद वो अपने कजिन की तरफ घूरता है, स्टेयर करता है एट हिज कजिन, मैड एट द हॉर्स, जो घोड़े के लिए पागल हो रहा था। देयर इज डिलाइट एंड सम ऑनर ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे खुशी भी थी और थोड़ी इज्जत भी झलक रही थी। एंड इट ऑन वन हैंड, और एक तरफ डिलाइट्स एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटन्स द नरेटर। नरेटर को ये बात डरा भी रही थी, खुशी भी दे रही थी कि उसने गलत काम किया है, कहीं से चोरी करके आया, अगर पकड़े गए तो उनका क्या हश्र होगा, क्या परिणाम होगा, ये बात उसको डरा भी रही थी। He asks Murad as to where from he has stolen that horse. Murad को कहता है कि ये घोड़ा कहाँ से चुराया तुमने? But instead of answering, Murad tells him to leap out of the window if he wants to enjoy a ride. बजाय इसके, instead of means की बजाय कि वो जवाब दे, मुराद ने उसे कहा कि जंप लगा के, छलांग मार के खिड़की से बाहर आ जा अगर घोड़े की राइड एंजॉय करना चाहता है। Thus the narrator is sure that his cousin has stolen it. तो इस बात से नरेटर को विश्वास हो गया, पक्का विश्वास हो गया कि उसके भाई ने, कजिन ने, चचेरा भाई या ताऊ का लड़का, कि ये घोड़ा चुराया था। Here the narrator also seems to be tempted to enjoy a ride. और यहाँ हमें ये भी लगता है जो नरेटर है आरम, वो भी लालायित हो गया था, अट्रैक्टेड हो गया था कि घोड़े की राइड किए जाए, भले ही उसने उसको चुराया था, तो थोड़ा उसे भी ये लगा कि एंजॉय करते हैं। दैट्स वाई ही ट्राइज टू रिलैक्स ऑन वट ही थिंक्स ऑफ स्टीलिंग ए हॉर्स। और अब वो रिलैक्स हो जाता है इस बात पे कि घोड़ा चुराया गया था, इस बात को भूलने की कोशिश करता है। जस्ट फॉर ए राइड एंड स्टीलिंग समथिंग लाइक मनी, अपने आप को वो बैलेंस करता है और डिफेंड करता है कि राइड के लिए चोरी, चोरी थोड़ी होती है, पैसे की चोरी तो हम चोरी मान लें। Just for a ride and stealing something like money. Next, he admits that if someone is crazy about horses, as both of them are, then it no more remains stealing. और फिर वो कबूल करता है इस बात को, एडमिट करता है, स्वीकार करता है कि अगर उनमें से कोई क्रेजी है घुड़सवारी करने के लिए, तो ये चोरी चोरी नहीं है, तो ये तो सिर्फ एंजॉय करने के लिए है। चोरी तो जब होती है जब उस घोड़े को वो बेचते हैं, अपने घर में छुपा के रख लें। इट वुड नॉट बी कॉल्ड स्टीलिंग अनलेस दे सेल आउट द हॉर्स फॉर मनी, और ये चोरी तब तक नहीं होगी जब तक वो घोड़े को पैसे के लिए नहीं बेचते। एंड दैट दे वुड नेवर डू, और ये काम वो कभी नहीं करेंगे। आफ्टर दैट आरम टेल्स मुराद टू वेट फॉर सम टाइम टिल ही वेयर्स क्लोथ्स। फिर आरम मुराद को कहता है कि कुछ एक क्षण, कुछ एक पल वेट करो, क्योंकि वो चेंज करना चाहता है। आफ्टर सम मिनट्स, कुछ मिनटों के बाद ही जंप्स डाउन टू द यार्ड, खिड़की में से छलांग मार के आ जाता है। यार्ड क्या होता है? सम ओपन एरिया इन फ्रंट और एट द बैक ऑफ ए हाउस, घर के आगे या घर के पीछे, जो बेड़ा जिसे कहते हैं, आंगन बोलते हैं उसे, वो यार्ड होता है। फ्रॉम द विंडो एंड लीप्स अप ऑन टू द हॉर्सेज बैक बिहाइंड हिज कजिन मुराद, और छलांग मार के वो भी घोड़े की पीठ पे अपने कजिन के पीछे बैठ जाता है। नाउ वी कम टू नो फ्रॉम द टेक्स्ट दैट द नरेटर लिव्स ऑन वैलनट एवेन्यू। अब हमें टेक्स्ट में से एड्रेस पता लगता है कि ये
जो नरेटर है कहाँ रहता है, एवेन्यू ये गली का नाम है, विच इज एट द आउटर पार्ट ऑफ द टाउन, कस्बे के बाहरी हिस्से में है ये गली। देयर वाज द कंट्री साइड बिहाइंड देयर हाउस, इनके घर के पीछे देहात है, वेयर वन कुड सी वाइन यार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरीगेशन डिचेज एंड कंट्री रोड्स। और यहाँ से वाइन यार्ड्स वगैरह, खेत खलियान दिखते हैं, बगीचे दिखते हैं, इरीगेशन डिचेज, खाल जो होते हैं जिनमें से पानी चलता है, और कंट्री रोड देहात की तरफ जाती हुई सड़कें भी दिखती हैं। द नरेटर फर्दर सेड दैट विद इन 3 मिनट्स, कि अगले 3 मिनट के अंदर अंदर दे वर ऑन ओलिव एवेन्यू, ओलिव एवेन्यू पे दौड़ रहे थे घोड़े पे बैठे हुए। आफ्टर दैट द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, इसके पश्चात घोड़ा ट्रॉटिंग करने लगा, मतलब स्पीडली थोड़ा स्पीड पे चलने लगा। द एयर वाज फ्रेश, ताज़ा हवा थी, एंड इट वाज प्लेजेंट टू ब्रीद इन इट, उसमें सांस लेना बड़ा खुशनुमा लग रहा था, उन्हें बहुत सुखद लग रहा था, सुहावना लग रहा था। दे वर एंजॉयिंग ए वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग अ रनिंग हॉर्स, एक भागते हुए दौड़ते हुए घोड़े की सवारी करना उन्हें एक बहुत ही दिलचस्प तजुर्बा उनके लिए था। वो हिज कजिन हु वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली बिगेन टू सिंग इन ए वेरी बैड मैनर, और घुड़सवारी करते करते जैसे घोड़ा भाग रहा है और वो एंजॉय कर रहे हैं, ताज़ा हवा उनको लग रही है, सांस लेने में अच्छा लग रहा है उन्हें, तो उसका कज़िन जो मुराद, जिसका नाम है और अपने कबीले में सबसे क्रेजीएस्ट मेंबर उसे मानते हैं, अब उसने गीत गाना शुरू कर दिया और बहुत ही बैड मैनर में, बेसुरे ढंग से उसने गीत गाया, उसके सुर ताल कुछ नहीं थे। इन ए वे ही वाज रोरिंग, और एक तरीके से देखा जाए तो वो गर्ज रहा था, जोर जोर से चिल्ला ही रहा था, गीत नहीं था वो। द नरेटर नाउ जनरलाइजेस हिज व्यू दैट एवरी फैमिली हैज ए स्ट्रीक ऑफ क्रेजीनेस इन एनी ऑफ इट्स मेंबर, अब नरेटर यहाँ पे इस विचार को जनरलाइज कर देता है कि प्रत्येक फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा मेंबर होता है जिसमें एक सनक होती है। हिज कजिन मुराद वाज थॉट टू बी द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजीनेस That was found in his uncle Khosrow. और generalization यही है कि प्रत्येक परिवार में कोई ना कोई ऐसा बुजुर्ग पूर्वज ऐसा रहा होगा जिसमें कोई ना कोई सनक होगी, और वो सनक किसी न किसी मेंबर में परिवार के आ जाती है। और यहाँ पे मुराद जो था ये उत्तराधिकारी था एक किस्म से अपने अंकल का। डिसेंडेंट कौन होता है? पर्सन हु इज रिलेटेड टू यू एंड हु लिव्स आफ्टर यू, सच एज योर चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड, जैसे किसी व्यक्ति का वर्तमान में कोई फादर है, उसका आगे चल के ग्रैंड चाइल्ड हो सकता है, तो वो डिसेंडेंट हो गए, आने वाली संतानें डिसेंडेंट होती है, और एंसेस्टर्स होते हैं जो पूर्वज होते हैं, हमारे दादाजी परदादाजी सारे एंसेस्टर्स हैं। तो ये अंकल खुसरो का डिसेंडेंट था, मतलब आने वाली संतान थी। ही वॉज एन इनॉर्मस, और खुसरो के बारे में अब नरेटर हमें बता रहे हैं, वो बहुत ही विशाल काय था, वेरी बिग इन साइज, इनॉर्मस साइज था उसका, हैविंग वेरी बिग साइज हेड, सिर बहुत बड़ा था उसका। और द वर्ड पावरफुल हैज बीन यूज इन द टेक्स्ट, पावरफुल हेड यूज किया गया टेक्स्ट में तो, विद ब्लैक हेयर, काले बाल थे, एंड द लार्जेस्ट मस्टाश, और मूछें बहुत बड़ी बड़ी थी, विच हैड नो कंपेरिजन विद सैन जोक्विन वैली, इस घाटी में सैन जोक्विन वैली में उसका कोई मुकाबला नहीं था, कोई तुलना नहीं थी, कंपेरिजन नहीं था, मतलब उस जैसी मूछें किसी की नहीं थी। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस मैनर फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस लेसन द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स ये ख़त्म हो जाती है, और नेक्स्ट मैं सेकेंड वीडियो लेके आऊँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू।